ओम श्री परमात्मा ने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहरदेव अवस्थी अपने पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ अवस्थीज आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर सभी गीता प्रेमियों, आयुष प्रेमियों, सुधिजनों, सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग गीता पर चर्चा कर रहे हैं, उसमें गूढ़ रहस्यों पर चर्चा चल रही है और आज जो है छठे अध्याय के 29वें और 30वें श्लोक पर हम लोग जो है विचार करेंगे, जिसमें प्रश्न बन रहा है कि योग युक्त व्यक्ति संपूर्ण प्राणियों में आत्मा को और संपूर्ण प्राणियों को आत्मा में देखता है। पहली बात यह है, और दूसरी है कि जो व्यक्ति सर्वत्र व्याप्त भगवान को देखता है और भगवान में संपूर्ण विश्व को देखता है, उसके लिए ना तो भगवान अदृश्य होते हैं और ना वह भगवान के लिए अदृश्य होता है। तो ये जो कथन है इसका वेदों, उपनिषद और गीता के अनुसार क्या व्याख्या है और किस तरीके से इस चीज़ को हम समझें और जिससे कि ये हमारा मार्ग प्रशस्त हो सके और हम ईश्वर या परमात्मा के दर्शन कर सकें, उनके नज़दीक पहुंच सकें और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए हम अपने पूज्य गुरु जी से निवेदन करेंगे कि वेद, उपनिषद और गीता के आधार पर वो अपने ज्ञान से हम लोग को सिंचित करें। तो निवेदन है गुरुजी से। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः सांग पदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यम सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेर मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतं निविदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल का अवलोकन कर रहे सभी विद्वद्गण, सभी छात्रगण, परम जिज्ञासु सज्जन वृंद और इस चैनल के संस्थापक तथा व्यवस्थापक आचार्य हरिहरदेव अवस्थी जी, आज का जो विषय है वो उपनिषद के द्वारा साक्षात प्रतिपादित विषय। ये जो दो प्रश्न हुए कि संपूर्ण प्राणियों में जो आत्म तत्व अर्थात उस परम तत्व जो ब्रह्म है उसको जो देखता है और संपूर्ण प्राणियों में को भी उस आत्म तत्व में देखता है, तो ऐसे योग से युक्त व्यक्ति जो है सर्वत्र उसको ईश्वर का ही स्वरूप दिखाई पड़ता है, कहीं भी ईश्वर से व्यतिरिक्त उसकी स्थिति नहीं होती है। और इसलिए यह भी कहा गया कि जो उस परमात्मा तत्व को सर्वत्र देखता है और परमात्मा तत्व में सबको देखता है तो उसको स्वयं एवं उस परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हो जाता है और उस परमात्मा तत्व को पूर्ण रूप से जानता है। तो ना तो परमात्मा तत्व ऐसे व्यक्ति विशेष के लिए अदृश्य होता है और ना वह स्वयं व्यक्ति परमात्मा तत्व के लिए अदृश्य होता है, अर्थात दोनों परस्पर दृश्य को प्राप्त करते हैं। ये इसका तात्पर्य क्या है? पहले योग से युक्त का स्वरूप क्या होगा, क्योंकि जो ये दो पद्य हैं वह है सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तो इसमें लिखा कि जो योग युक्तात्मा व्यक्ति है उसकी ऐसी स्थिति होती है। योग युक्तात्मा कौन है? तो योग युक्तात्मा वह है जो सच्चिदानंद निर्गुण निराकार ब्रह्म में जिसकी अभिन्न भाव से स्थिति होगी, अर्थात तत् व्यतिरिक्त किसी को वो देखता ही नहीं, सर्वत्र उसको उस परमात्म तत्व के ही दर्शन होते हैं जिसकी कल व्याख्या हुई थी, जिसको ब्रह्मभूत कहते हैं। ब्रह्म ही उसके पूर्ण रूप से स्वरूप में स्थित हो जाता है,
वो ऐसा योग युक्तात्मा ब्रह्मभूत व्यक्ति माना जाता है, जिसकी व्याख्या भी पूर्व में की जा चुकी है। ऐसा जो ब्रह्मभूतात्मा योग युक्तात्मा व्यक्ति है वो परम ज्ञानी स्वरूप में हो जाता है। और जब परम ज्ञानी स्वरूप में होता है तो उसके लिए जितने भी शास्त्रानुकूल सदव्यवहार हैं वो स्वतः उसमें उद्भूत होते हैं। और प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक विश्व के जितने भी छोटे से लेकर के बड़े तक के जितने प्राणी या जितनी वस्तु हैं, सब में उसको परमात्म तत्व ही दिखाई पड़ता है। अर्थात सर्वत्र वो प्रभु का ही दर्शन करता है, उस परम तत्व का ही दर्शन करता है, इसलिए वो समदर्शन हो जाता है। समम दर्शनम यस्य इति समदर्शन, अर्थात जिसकी दृष्टि सब में उस परमात्म तत्व में ही रूप में ही सर्वत्र उसको दिखाई पड़ती है, परमात्म तत्व के अतिरिक्त परमात्म व्यतिरिक्त किसी का भी दर्शन उसको कहीं नहीं होता है, तो ऐसा व्यक्ति वो समदर्शन है। तो ऐसा व्यक्ति ही संपूर्ण प्राणियों में या सर्वत्र वस्तुओं में केवल उस परमात्म तत्व परमात्मा श्रीमन्नारायण को ही देखता है। और सर्वभूतानि चात्मनि, और उस आत्म शब्द से यहाँ पर परम तत्व या परमात्मा का ग्रहण है, आत्म तत्व का तो जीव नहीं है, क्योंकि हमारा जो परमाराध्य है या परम उपास्य है या परम प्राप्य है वो परमात्मा तत्व, और उसको हम तब प्राप्त करते हैं सबसे पहले जब अपने को जानते हैं, अपने स्वरूप को पहचानते हैं कि हम जीव स्वरूप जो उस परमात्मा तत्व का जो अंश हमारा जीवांश है, तो उसका चिंतन, ये विषय चिंतन नहीं है, जो इंद्रियों के विषय हैं वो परमात्मा ही मुख्य चिंतन है। ऐसा व्यक्ति जो है उस परमात्म तत्व में संपूर्ण जो है प्राणियों को देखता है, संपूर्ण संसार को देखता है, उसको तद व्यतिरिक्त ये सी समझता है कि ये भी उसी के अंश है और वास्तविकता भी है। क्योंकि जिस तरह से जो मकरी है वो अपने ही मुख से उस जाल का वो विस्तार करती है और उसी जाल में स्वयं रहती है, इसी प्रकार जो परमात्मा तत्व है वो स्वयं ही संपूर्ण सृष्टि का रचना करके और संपूर्ण सृष्टि में वास करता है। तो इसलिए वो जो जाल का जो मुख्य स्वरूप है कहाँ है, मकरी के ही अंदर है। और मकरी का निवास कहाँ है, जाल में है, जाल से अतिरिक्त मकरी निवास नहीं करती है। ठीक उसी ढंग से ये जो संसार है उस संसार, संपूर्ण संसार उस परमात्म तत्व में ही रहता है और उसको संपूर्ण संसार में वो परमात्म तत्व रहता है, अपने स्वरूप में स्थित रहता है। इसी बात को ईशावास्य उपनिषद में भी कहा गया है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, जो साधक संपूर्ण विश्व को उस परमात्म तत्व में ही देखता है और सर्वभूतेषु चात्मानं, संपूर्ण विश्व में उस परमात्म तत्व को अनिश्चित रूप में देखता है, ततो न विजिगुष्मते, उसको कहीं भी किसी भी प्रकार की व्याकुलता नहीं होती है। ऐसा ही व्यक्ति परमात्म तत्व को प्राप्त करके उस ब्रह्म तत्व, ब्रह्म प्राप्त जन्य जो आनंद उसको प्राप्त करता है। दूसरे पद में भी यही कहा गया कि जब आपकी इतनी तीव्र बुद्धि हो जाए, इतनी सूक्ष्म बुद्धि हो जाए कि आप परमात्म तत्व को ही सर्वत्र देखते हैं, तो ऐसी अवस्था में जो है आपकी क्या होगा कि वो परमात्म तत्व के ही सर्वत्र दर्शन आपको होंगे। इसी प्रकार जो है जब आप संपूर्ण विश्व को उस परमात्म तत्व में देखते हैं, तो अर्थात परमात्म तत्व व्यतिरिक्त विश्व का कोई अलग से स्वरूप नहीं है, ये आपको ज्ञान होता है। तो जब ऐसी स्थिति आपकी होती है कि संपूर्ण जितने संसार की वस्तु है वो परमात्म तत्व में दिखाई पड़ते हैं, कैसे दिखाई पड़ते हैं, अभी हमने आपको मकरी का और उसके जाल का उदाहरण दिया, हमारे जितने उपनिषद हैं वो भी यही बात को कहते हैं
कहते सद एक अग्र आसी तस्मात आकाश सह अकामयत एको हम बहुस्यम। इस सृष्टि का प्रक्रम है एक ही सदवस्तु अर्थात परमात्मा तत्व था, उसको अकेले रहते रहते उसको कुछ इच्छा हुई कि मैं अकेला हूँ, मुझे अनेक रूप में उपस्थित होना चाहिए। तो सह अकामय तो पहले उसने इच्छा की है, इच्छा ही उसकी माया है। एको हम बहुस्यम, इच्छा क्या उसकी, मैं एक हूँ, उसको अनेक स्वरूप में उपस्थित होना चाहिए। तो एको हम बहुस्याम में एक अहम बहुस्याम बोल रहा है कि मैं बहुत स्वरूपों में उपस्थित हो जाऊँ। इन्हें कहता अहम एका बहुन रचयामी, ऐसा नहीं बोला उसने कि मैं अकेला हूँ किंतु अपने क्रीड़ा के लिए मैं अनेकों की रचना कर रहा हूँ, ये नहीं कहा भगवान ने। क्या कहा, एक अहम बहुस्याम, मैं अकेले ही अनेक स्वरूप में हो जाऊँ। इसे क्या तात्पर्य निकलता है कि वो ईश्वर ही, वो परमात्म तत्व ही जगत स्वरूप में परिणत हो गया, जगत स्वरूप में परिणत हो गया। तो इसलिए संपूर्ण संसार में वो व्याप्त है क्योंकि तदरूप ही है वो, और संपूर्ण विश्व भी उसी के अंतर्गत क्योंकि रचना उसी ने किया है। इसलिए आगे गीता में भी कहेंगे अहम सर्वस्य प्रभवा मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैं ही सबका सबको जन्म देने वाला हूं और मुझी से संपूर्ण जितनी चीजें हैं, जितनी प्रक्रिया है वो प्रवृत्त होती हैं। ये भगवान अभी आगे गीता में कहेंगे। तो इसलिए संपूर्ण विश्व की जितनी स्थिति है वो परमात्म तत्व के कारण ही है, इसलिए परमात्म तत्व संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। आजकल का ये विश्व नहीं, जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं वो विश्व का स्वरूप, जिसमें तीनों लोक और 14 भुवन ये रहते हैं वो एक ब्रह्मांड का स्वरूप है, उसमें सर्वत्र वो व्याप्त है। और हमारे यहाँ तो जो पुराणों का और वेदों का कथन है एक ही ब्रह्मांड नहीं अनंत ब्रह्मांड है। तो अनंत ब्रह्मांड को अनेक आकाश है, अनेक सूर्य, अनेक वायु हैं, अनेक सिस्टम है, क्योंकि जो पंच भौतिक स्वरूप आपको दिखाई पड़ रहा है वो केवल इस ब्रह्मांड का है। इसी तरह से अनेक ब्रह्मांड हैं जिनकी चर्चा पुराणों में और वेदों में प्राप्त होती है, उस पर अभी वैज्ञानिकों की दृष्टि नहीं है कि इस प्रकार का अनेक स्वरूप हो सकते हैं, परंतु हैं, हमारे ऋषियों ने उनका साक्षात्कार किया है। इसी प्रकार जो है संपूर्ण जो स्थिति है उसमें परमेश्वर प्राप्त है, इसलिए भगवान आगे कहेंगे अभी गीता में मया तत्विदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्तिना, तो अव्यक्त मूर्त से अव्यक्त रूप से मैं संपूर्ण संसार में व्याप्त हूँ। तो ये भगवान का एक स्वरूप है जो परमात्म तत्व संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, और ये जो है उसी परमात्म तत्व में संपूर्ण विश्व व्याप्त है वो भी है, दोनों स्थिति है। तो दोनों की स्थिति है। अब यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है कि जो संपूर्ण जगत में जो भगवान सकाम सकार रूप में अगर विद्यमान है और भगवान के साकार रूप में समस्त जगत व्याप्त है, तो उसको हम ज्ञान कैसे कर सकते हैं, हमको दिखाई देना चाहिए। तो परमात्मा में यद्यपि हम परमात्मा तो का साक्षात्कार हमने नहीं किया किंतु जगत में तो हम हैं, तो जगत स्वरूप से परमात्म तत्व का ज्ञान हमको होना चाहिए। तो इसका उत्तर यह है कि जैसे वेश परिवर्तन वाला करने वाला जो अत्यंत चतुर व्यक्ति होता है, तो किस तरह से रूप परिवर्तन हो करके और हमारे बीच ही रहता है, हम उसको नहीं जान पाते हैं कि ये क व्यक्ति है या ख व्यक्ति है, और उसी तरह से जो परमात्मा तत्व भी ये भी अनेक, इसलिए भगवान को अनेक रूप रूपाय कहा गया, अनेक स्वरूपों में अपने को परिणत कर सकता है। इसलिए परमात्म तत्व हमारे बीच रहने पर भी उस परमात्म तत्व का ध्यान ज्ञान हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि उतनी सूक्ष्म उतनी तीव्र नहीं है, किंतु वो सर्वत्र। जैसे वायु के चलने से वायु की प्रतीति होती है, अगर वायु न चले तो हम ये नहीं कह सकते हैं वायु नहीं है, वायु का अभाव नहीं होता है, परंतु वायु जो है उस समय पर वो शांत रूप में रहता है, अर्थात इसलिए हम श्वास प्रश्वास हमारा चलता रहता है, अगर वायु बिल्कुल न रहे तो श्वास प्रश्वास ही नहीं चलेगा, प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो जैसे वायु जब चलता है तब प्रतीत होता है, अन्यथा प्रतीत नहीं होता है। ठीक उठी ढंग से जब परमात्म तत्व का हम उतना
हम हमारी साधना उतनी तीव्र होती है तो परमात्म तत्व हमको दिखाई पड़ता है, और जो उतनी साधना नहीं होती है तो परमात्म तत्व हमको दिखाई नहीं पड़ता, किंतु सर्वत्र उसका स्वरूप विद्यमान रहता है। किसी न किसी स्वरूप में हम उसका ध्यान करते हैं, ज्ञान करते हैं। जैसे वायु के अधिक न चलने पर भी शांत रूप में चलने से श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया हमारी अबाधित बनी रहती है, उसी प्रकार से उस परमात्म तत्व का भी साक्षात होकर होता है, क्योंकि उस प्रकृति जन्य जितने भी साधन है प्रसाधन है उसका उपभोग प्रत्येक प्राणी करता है। तो इस तरह से वो परमात्म तत्व का स्वरूप है, और वो परमात्म तत्व क्या है कि जो इस तरह से समझता है कि सर्वत्र परमात्म तत्व व्याप्त है या परमात्म तत्व में सर्वत्र संपूर्ण संसार व्याप्त है, तो उसको भगवत तत्व का पूर्ण साक्षात्कार होता। तस्याहम न प्रणश्य, भगवान कहते हैं उसके लिए मैं नष्ट अर्थात अदृष्ट नहीं होता, अर्थात उसकी साधना प्रबल जो होती है तो वो मेरा साक्षात कर सकता है। और सच में न प्रणश्यति, यहाँ पर नश्यति का अर्थ नष्ट होना नहीं है, हमारे यहाँ नश्य धातु है अदर्शन अर्थ, प्रणश्यामि अदृश्य न भवामि। सच में न प्रणश्यति, सच में मम कुरुते सह न प्रणश्यति न अदृष्टम भवति, अर्थात उसको मैं दर्शन करता हूँ, उसको जानता हूँ। तो इस तरह से भगवान ने इन दोनों पद्यों के माध्यम से, दोनों श्लोकों के माध्यम से एक बहुत जो स्थिति है, जो परमात्मा तत्व का जो उसका स्वरूप है, जो उस स्नेह की साधना की योग शक्ति की जो पराकाष्ठा, उसका भगवान ने वर्णन किया और बतलाया कि परमात्म तत्व के साक्षात्कार करने के लिए हमें किस स्वरूप का कैसे उसकी प्राप्ति करना चाहिए, जिससे हम उस परमात्म तत्व का साक्षात्कार कर सकें। और उस परमात्म तत्व जो है वो सब में व्याप्त है, परमात्म तत्व में हम सब कोई व्याप्त है, इसका दृढ़ निश्चय हमें हो सके, इसका साक्षात्कार हमें हो सके, इस तरह का प्रयत्न हमारे द्वारा करनी है, इत्यादि समाधान और इस प्रकार का प्रतिपादन भगवान ने गीता के माध्यम से किया। बहुत ही सुंदर विवेचन गुरु जी ने किया कि योग युक्त व्यक्ति संपूर्ण प्राणियों में आत्मा को और संपूर्ण प्राणियों को आत्मा में देखता है। जो व्यक्ति सर्वत्र व्याप्त भगवान को देखता है और भगवान में संपूर्ण विश्व को देखता है, उसके लिए ना तो भगवान अदृश्य हैं और ना भगवान के लिए वह अदृश्य है। तो ये बात उपनिषदों और वेदों के आधार पर गुरु जी ने जो है विस्तृत वर्णन के साथ प्रस्तुत की। और इसी संदर्भ में आगे गीता में एकादश अध्याय में आएगा कि भगवान ने स्वयं अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हुए अपने दर्शन कराए हैं। तो उन्होंने जो दर्शन कराए हैं वो भी अखिल ब्रह्मांड या विश्व के ही कराए हैं, कि उसमें उन्होंने अपने को दिखाया है कि सारे ब्रह्मांड, सारे सूर्य सभी कुछ उनमें व्याप्त हैं, जो तो पूरी सृष्टि उनमें व्याप्त है। तो उन्होंने अपने दर्शन भी कराए हैं जो आगे के अध्याय में आएंगे और गुरु जी उसका विश्लेषण करेंगे। तो ये जो पूरी बात है कि जो इस प्रकृति या इस पूरे ब्रह्मांड को ही ईश्वर मानता है एक तरीके से, तो वही परमात्म तत्व है। और आज ये वैज्ञानिक भी इस चीज़ को मान रहे हैं कि जो पूरा ब्रह्मांड है वो सोचता है, उसमें थिंकिंग पावर है, और उसके अनुसार वो ब्रह्मांड अपने को चेंज करता है। उसमें जो चेंजेस आते हैं तो ये फिजिक्स और साइंस और एस्ट्रोलॉजर ये सब उस चीज़ को मान रहे हैं, क्योंकि ये वैज्ञानिक तथ्य सामने आ रहे हैं जो गीता का ही प्रतिपादन करते हैं कि वो ईश्वर तत्व है, वो परमात्म तत्व है। और चरक में ये बात आई भी है कि जो उन्होंने सृष्टि के निर्माण में बात कही कि उन्होंने जो मूल प्रकृति बताई तो उसको जो है अव्यक्त बताया, अव्यक्त में प्रकृति और पुरुष दोनों ही निहित हैं। तो वो जो अव्यक्त तत्व है जिससे मूल प्रकृति बन रही है, उसी में ईश्वर तत्व भी है जिससे कि पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। तो ये बहुत ही सुंदर विवेचन है जिसका बहुत ही स्पष्ट रूप से गुरु जी ने व्याख्या कर दी है। अब हमको निवेदन है गुरु जी से कि जो है वो 2 मिनट में इसका उपसंहार प्रस्तुत कर दें, जिससे कि एक उपसंहारात्मक और ज्ञान प्राप्त हो सके। इसका जो है अत्यंत सरल
रूप में या सूक्ष्म रूप में या संक्षेप रूप में इसको यही कहा जा सकता है कि जो ब्रह्मभूत स्वरूप है पहले अर्थात उस परमात्म तत्व के साक्षात्कार में तदरूपता जो है वो पहले अपने अंदर जब हम पैदा कर लेते हैं तो संपूर्ण विश्व में उस परमात्म तत्व के ही दर्शन होते हैं और ये भी प्रतीति होती है कि संपूर्ण विश्व उस परमात्म तत्व से अतिरिक्त नहीं है, अभी तो उसी में व्याप्त है। तो ऐसा जो ब्रह्मभूत आत्मा व्यक्ति है जिसकी समदृष्टि है अर्थात सर्वत्र ईश्वर दर्शन जिसको हो रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो ऐसा ही देखता है कि संपूर्ण प्राणी जितने हैं वो संपूर्ण प्राणियों में वो परम परमात्म तत्व व्याप्त है और संपूर्ण जितने प्राणी हो परमात्म तत्व में स्थित हैं। तो ऐसा जिसकी दृष्टि बन जाती है उसके लिए न तो परमात्म तत्व उसके लिए अदृश्य होता है और न परमात्म तत्व जो है उस व्यक्ति जो योग साधक उसके लिए अदृश्य होता है। ये संक्षेप में इसका विचार है। तो अगर आपको ये चर्चा पसंद आ रही है और आपका ज्ञानवर्धन हो रहा है तो और आप न्यू व्यूअर हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें, जिससे कि ये जो निष्काम कर्म भावना से गुरु जी ज्ञान सबको वितरित कर रहे हैं तो उस ज्ञान से दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकें। तो थैंक यू ऑल।